शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल को लेकर। तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। माना जा रहा था कि इन नतीजों के आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कल यानी 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर चिंता जताई थी, लेकिन चुनावों नतीजों की घोषणा के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए और डीजल की कीमत 86.67 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण $139 प्रति बैरल के भाव पर ये पहुंच गया है। आज कच्चे तेल में मामूली गिरावट दिख रही है और फिलहाल ये $108 प्रति बैरल पर चल रहा है। वहीं जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में $1 की बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होती है। तेल कंपनियों को हर लीटर पर 10 से 12 रुपए का नुकसान भी हो रहा है। तेल कंपनियों में इस बात पर सहमति है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में चरणबद्ध तरीके से प्रति लीटर 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसमें उपभोक्ताओं पर अचानक इसका बोझ नहीं पड़ेगा। फिलहाल तेल कंपनियों को प्रति लीटर 5 से 6 रुपए का बोझ झेलना पड़ेगा। तो ये थी बात कच्चे तेल को लेकर। अब हम नजर डालते हैं, अगर बात करें एडिबल ऑयल से रिलेटेड बड़ी खबर पे, तो विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल CPO और पामोलिन तेल और सोयाबीन डिगम तेल में गिरावट आई है, जबकि मांग बढ़ने के कारण मूंगफली तेल तिलहन के भाव मजबूत साथ बंद हुए। अन्य तेल तिलहन की कीमतें स्थिर रही हैं। वहीं मलेशिया एक्सचेंज और शिकागो एक्सचेंज में गिरावट का रुख होने से स्थानीय तेल तिलहन की कीमत प्रभावित हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से सूरजमुखी तेल की किल्लत पैदा हुई है, जिसकी पूर्ति मूंगफली तेल से की जा रही है। अन्य तेलों के मुकाबले मूंगफली तेल, जो पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ करता था, वह बाकी तेलों से फिलहाल सस्ता चल रहा है। मूंगफली तेल तिलहन की चौतरफा मांग भी है। मलेशिया एक्सचेंज में कमजोरी का रुख होने की वजह से CPO और पामोलिन तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर शिकागो एक्सचेंज में गिरावट के कारण आयातित तेल सोयाबीन डिगम भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर प्लांट वालों की कीमत निकलने और आपूर्ति कम होने से सोयाबीन तिलहन के भाव में सुधार देखने को मिला है। वहीं किसान नीचे के भाव में सोयाबीन की बिक्री से बच रहे हैं। आयातित खाद्य तेलों की कमी को सरसों के जरिए पूरा किया जा रहा है। मंडियों में जितनी आवक है उतनी ही मांग निकल रही है। सरसों दाने की मांग होने से इसके तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे, जबकि कल रात शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की गिरावट आने से सरसों तेल की कीमत में गिरावट आई है। सरकार को घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, वहीं देश को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाएगा। तो ये बात थी एडिबल ऑयल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि सोना चांदी से रिलेटेड है। सोना चांदी की बात करें तो सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। MCX पर 5 अप्रैल 2022 की डिलीवरी वाला सोना 309 रुपए की गिरावट के साथ 52,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के साथ ही चांदी की वायदा कीमत में भी गिरावट देखने को आज मिली है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी सोने चांदी के भाव में गिरावट के साथ ये ट्रेड करते दिखाई दिए। चांदी का वायदा भाव सोने के साथ ही चांदी वायदा में कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। वहीं MCX पर शुरुआती कारोबार में 5 मई 2022 की डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 340 रुपए की गिरावट के साथ 70,126 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। वैश्विक स्तर पर भी आज सोने के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सोने का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर $4.40 की गिरावट के साथ
$1,990 प्रति औसत पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं चांदी का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर $0.15 की गिरावट के साथ 26.11 यानी कि $26.11 प्रति औसत पर ट्रेड करता दिखाई दिया। तो ये थी बात सोने चांदी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध बनाए रखते हैं तो दुनिया भर में उर्वरकों की कीमत और तेजी का आ सकती है। रूस दुनिया के सबसे बड़े खनिज उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। एक संबोधन में पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रूस को दोष ना दे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने रूस से तेल, रिफाइंड नेचुरल गैस और कोयला के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अपने फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने बयान दिया है कि इन प्रतिबंधों से रूस की सरकार उन आर्थिक संसाधनों से दूर हो जाएगी जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि दुनिया में ऊर्जा की कीमतों में उछाल के लिए पश्चिमी रूस को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने भविष्यवाणी की है कि यदि अन्य देश रूस के लिए मुश्किलें पैदा करना जारी रखते हैं तो दुनिया में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और बेलारूस विश्व बाजार में खनिज उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अगर पश्चिमी देश फंडिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक डिलीवरी में कोई समस्या पैदा करना जारी रखती है तो कीमतों में जो पहले से ही अत्यधिक है और बढ़ा दी जाएंगी। रूस सालाना 5 करोड़ टन उर्वरकों का उत्पादन करता है जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 13% है। रूस सिंथेटिक फर्टिलाइजर का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है जो यूरिया के 1/5 हिस्से से अधिक की आपूर्ति करता है। ये उर्वरक यूके में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख फर्टिलाइजर है। बात करते हैं भारत की चीनी मिलों से रिलेटेड। तो भारत की चीनी मिलों ने हाल ही के दिनों में 5,50,000 चीनी निर्यात के सौदे किए हैं। रॉयटर्स से 4 डीलर्स ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम अधिक होने और रुपए के कमजोर होने की वजह से चीनी निर्यात आकर्षक हो गया है। वहीं विश्व के दूसरे सबसे बड़ी चीनी उत्पादक की ओर से ज्यादा निर्यात किए जाने से वैश्विक दाम में भी तेजी आई है, काबू पाया जा रहा है। सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील में उत्पादक कम होने और कच्चे तेल के दाम में तेजी की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं। वह निर्यात से भारत को चीनी का भंडारण घटाने और स्थानीय कीमतों को समर्थन देने में मदद मिलेगी। गन्ना के किसानों को सरकार द्वारा तय मूल्य के भुगतान की वजह से ये अहम है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक की मिलें बाजार से सक्रिय रही, स्थानीय कीमत की तुलना में उन्हें बेहतर मुनाफा हो रहा है। वहीं डीलर्स के अनुमान के मुताबिक भारत की मिलों ने 2021-22 में अब तक 64 लाख टन चीनी निर्यात के लिए समझौता किया है। इसमें से 50 लाख टन पहले से ही भेजा जा चुका है। तो ये थी बात चीनी से रिलेटेड कि क्या हुआ है। अब बात करते हैं यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोप के देशों को रूसी गैस तक उनकी पहुंच को लेकर चिंता में डाल दिया है, जिस पर वे लंबे समय से निर्भर रहे हैं। इस संघर्ष ने ऊर्जा संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा दिया है, जिससे तेल, गैस, कोयला और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ गई है। लेकिन यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति से कहीं ज्यादा कुछ प्रभावित हो सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकता है, खासकर कई मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में गेहूं की आपूर्ति श्रृंखला इससे बाधित हो सकती है। रूस दुनिया का शीर्ष गेहूं निर्यातक देश है और चीन और भारत के बाद सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। यूक्रेन दुनिया भर के शीर्ष 5 गेहूं निर्यातक देशों में से एक है। कई मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय आहार में गेहूं की अहम भूमिका है। इस कारण से ये देश इन निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर भी है। मसलन लेबनान अपने गेहूं की जरूरत का 60% यूक्रेन से आयात करता है। मिस्र दुनिया का शीर्ष गेहूं आयातक देश है, जिसका तकरीबन 70% गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। तुर्की के आधा गेहूं का आयात और
ट्यूनेशिया का 80% अनाज भी इन्हीं दोनों देशों से आता है। इस समय यूक्रेन के कुछ ऐसे हिस्से रूसी सैनिकों की ओर से की जा रही गोलाबारी की चपेट में है, जो यूक्रेन के गेहूं उत्पादन और निर्यात में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि USDA के मुताबिक यूक्रेन की ज़्यादातर गेहूँ की फसलें दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। काला सागर तक पहुंच को अपरूप्त कर देना ही मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में गेहूं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। यूक्रेन की गेहूं आपूर्ति श्रृंखला के लिहाज से काला सागर रणनीतिक अहमियत रखता है, क्योंकि मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र को गेहूं का निर्यात खास तौर पर समुद्र के रास्ते ही किया जाता है। जिस गेहूं का लोग इस समय कारोबार कर रहे हैं वे जुलाई 2021 की फसल से किया गया था। ये फसल हमले से पहले की है। अगले 3 महीनों में करीब 1/4 फसल अब उपलब्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग इस समय इस बंदरगाह में काम नहीं कर सकते। इससे मिस्र और लेबनान जैसे देशों में गेहूं की कमी पैदा कर सकती है। इस युद्ध से मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा किस तरह प्रभावित होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलेगा। अगर यूक्रेन के किसान जुलाई 2022 तक गेहूं की फसल की खेती और कटाई नहीं कर पाते तो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी, लेकिन अगर वे ऐसा कर भी देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे बंदरगाहों तक अनाज को ले जाने के लिए किसी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल भी कर पाएंगे या नहीं। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर में आज बस इतना ही, और बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।